वेलकम गाइस, आईटेल का फ़ोन। इसमें अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे ये मैं बता देता हूँ। बहुत ईजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा वो स्टेप सेम फॉलो करना है और आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग के अंदर। ये फ़ोन की सेटिंग आप स्लाइड करके आएंगे तो ऊपर भी यहाँ पर भी सेटिंग का ऑप्शन रहता है। दोनों तरफ से जो है आप कहीं से भी फ़ोन की सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जब फ़ोन की सेटिंग में आ जाएंगे तो आपको नीचे आना है, डाउन साइड पे सबसे लास्ट ऑप्शन जो होगा आपको उस पर टच करना है। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन हमने सेटिंग ओपन करी है और सबसे नीचे आ गए तो लास्ट वाला ऑप्शन पर टच कर देना है। फिर ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको शो होगा फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको टच करना है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हम, जो फिर फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है आपका, आपको उस वाले ऑप्शन पे टच करना है। जब से जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वही सेम स्टेप फॉलो करें और आपकी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन फिर से हम टच कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 और 2 में अगर आपको लैंग्वेज शो हो रही है, जैसे कि मैं बता देता हूँ अभी, दे रहा हूँ यहाँ से हमने एक लैंग्वेज ले ली, जैसे ये लैंग्वेज आ रही है अब हम इसको ऊपर ले आएंगे ड्रैग करके तो ये लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अब हम फिर से इसे ऊपर ले जाएंगे तो फिर से लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। 3 डॉट पे जाना है, रिमूव का ऑप्शन आएगा। जो लैंग्वेज आपको रिमूव करनी है आप इसे यहाँ से ओके कर देना, वो लैंग्वेज रिमूव होके आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह से गाइस आप अपने फ़ोन की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।